स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता है, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ कि स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के को फाउंडर और सीईओ थे, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वीडियो के थंबनेल के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि वो कभी अपनी कार पे नंबर प्लेट नहीं लगाते थे। अब ये सुन के आपके दिमाग में इससे रिलेटेड दो बातें आती होंगी। पहला तो ये कि भाई इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो जब भी इनका पुलिस से सामना होता होगा वो हर बार फाइन पे कर देते होंगे और बिना नंबर प्लेट की कार यूज करते होंगे। और दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन ली हो। तो आपको बता दूं कि इन दोनों में से एक भी बात सही नहीं है। दरअसल बात ये है कि एप्पल कंपनी का एक स्लोगन यानी नारा है, थिंक डिफरेंट, जिसे एप्पल कंपनी अभी भी फॉलो करती है। स्टीव जॉब्स को ये स्लोगन बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो हमेशा इसे फॉलो करने की कोशिश करते थे, और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी यूज करने के पीछे भी यही रीजन था, थिंक डिफरेंट। अब आप बोलोगे कि भाई वो बिना नंबर प्लेट की कार यूज कैसे कर लेते थे, वो तो बताओ। रुको जरा, सबर करो। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि स्टीव जॉब्स ने कैलिफोर्निया के व्हीकल लॉज में एक बहुत बड़ा लूपहोल यानी एक बहुत बड़ी कमी ढूंढ निकाली थी। वो कमी ये है कि जब कोई ब्रांड न्यू कार खरीदेगा तो 6 महीने के भीतर उसे अपनी कार पे नंबर प्लेट लगवाना होगा। तो स्टीव जॉब्स ने इस कमी का फायदा उठाया और उन्होंने अपनी कार लीजिंग कंपनी से ये अरेंजमेंट कर लिया कि वो हर 6 महीने के भीतर अपनी कार एक्सचेंज कर लेंगे ताकि उन्हें नंबर प्लेट ना लगवाना पड़े। इस तरह से 6 महीने के भीतर ही वो अपनी मर्सिडीज SL55 AMG कार रिप्लेस करके सेम उसी मॉडल की ब्रांड न्यू कार ले लेते थे। तो इस तरह से बिना रूल ब्रेक किए, बिना फाइन भरे, बिल्कुल लीगल तरीके से वो इस काम को कर रहे थे। उसके अलावा उनकी कार लीजिंग कंपनी के फायदे की बात ये थी कि वो इन एक्सचेंज्ड कार को अच्छे दामों में बेच भी देते थे, ये बोलकर कि इस कार के फर्स्ट ड्राइवर एक फेमस पर्सनालिटी स्टीव जॉब्स थे। इस तरह से ये डील स्टीव जॉब्स उस कार कंपनी और स्टीव जॉब्स द्वारा यूज की गई कार को खरीदने वाले बायर, इन तीनों के लिए फायदेमंद होती थी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए धमाकेदार बेसिक के साथ।